Hey guys, welcome back to my cut. Guys, welcome back to my vlog. I hope all are so good. और अभी मेरा पता ब्लॉग बनाने का आप भी मन नहीं कर रहा, सच बता रही हूँ. इन्हें जबरदस्ती करके बनवाया, बना ले कोई बात नहीं, वरना मेरा लिटरली मेरा मन ऐसे कर रहा था तू सो जा बहन, तू सो जा, कुछ मत कर, तू सो जा. इसलिए बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, जो लोग भाभी के मेहंदी वाले व्लॉग में कमेंट कर रहे थे कि सोनिया को बोलने की तमीज़ नहीं, अपनी भाभी से कैसे बात करते हैं, बोलते हैं वगैरह वगैरह, उल्टी सीधी चीज़ें एक्सेट्रा ये सब, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, उसका नेचर ना आपको नहीं पता, क्योंकि एक होता है ना इंसान से, इंसान के साथ बैठ के पता चलता है इंसान कैसा है, तो आप अभी उसको नहीं जानते ना, आपने उसका नेचर देखा वगैरह वगैरह. जब आप उसको जान जाओगे ना तब आप खुद बोलोगे वो बहुत स्वीट है और बहुत अच्छी है और अच्छा नेचर है उसका और वगैरह वगैरह जो भी है. तो ओके, तो उसके ब्लॉग में, भाभी के ब्लॉग में जिनने कमेंट करा था भाभी के ब्लॉग में, तो ऐसे कमेंट मत क्या करो भाई. वो पता है, वो इसी वजह से ब्लॉग में नहीं आती कि उसको पता है वो हम ब्लॉग में, ब्लॉग में आऊंगी, मतलब वो ब्लॉग में आएगी तो दूसरे कमेंट करेंगे उल्टे सीधे, तो इसलिए वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो ब्लॉग में आती भी नहीं है, इसी वजह से नहीं आती. फिर लोग उसे कहते हैं कि भाई ब्लॉग में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एटीट्यूड है वगैरह वगैरह. ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी किसी का मन होता है कि ठीक है मैं, मेरा मन नहीं करता व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मेरा मन कर गया इसलिए मैं बना रही हूँ. हमारे घर में भाभी और भाई का मन करता है इसलिए वो बनाते हैं, ठीक है. उस वो बिल्कुल हट कर है उसकी सोच से लेके सब कुछ भाई, हट कर है उसकी ए टू जेड चीज होती है ना, पसंद से लेके उसकी सोच ऐसी है जैसे बड़े बड़े आदमी. अब मैं क्या ही खुल के बताऊं, अजी हाँ इसकी बेइज्जती करूंगी मैं, तो ऐसे कमेंट मत करा करो इसके लिए. ठीक है सत्र, कितनी गंदी चॉकलेट लाया है, ये वही चॉकलेट है ना गंदो, ये तो और डेयरी मिल्क का टेस्ट. तो गाइस ऐसे कमेंट मत करा करो चैनल पे भाभी के कि नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो ऐसी है भी नहीं. कुछ बोलना चाहेगी सोनिया? मैं तो आ भी नहीं रही हूँ ब्लॉग में, मुझे बदनाम मत करो, खमा खा. मैं तो ब्लॉग मारे ना उनकी बेइज्जती करो, मेरी मत करो, बता रही हूँ बहुत मारूंगी. ब्लॉग मारे मतलब मैं एक तो तेरी वो कर रही हूँ और तू मेरे को बोल रही है. अरे मुझे क्यों बोल रही है लोग, तो मैंने कुछ करा थोड़ी, क्योंकि तू पता है तू जब एक बात बताओ, अगर मैं व्लॉग में उस टाइम मतलब कुछ नहीं बोलती ना तो भाभी भी शांति और मम्मी भी शांति और व्लॉग तो चलता नहीं बनता ही नहीं. और चीकू ने मुझे व्लॉग बनाने को दिया था, फिर अगर व्लॉग तुम खाली खाली होता तो फिर मुझे ही बोलते ना ये लोग, तुझे पता है इनकी आदत भाई, ये आगे से खुद बोलते हैं. और भाई अगर ठीक है तुम लोग व्लॉग बना रहे, ठीक है इसमें हमारी इसकी भी गलती, ठीक है मान ली, मेरी गलती नहीं है बता रही हूँ, फोड़ दूंगी, ठीक है इसकी गलती नहीं है, रुके पे. तो फिर अगर वो व्लॉग एडिट कर रहे हैं, अगर उन्हें वो चीज दिख रही है ना तो वो चीज हटा भी सकते हैं, उन्हें नहीं हटाई वो चीज व्लॉग एडिट करके, है भाई सोनिया क्यों नहीं हटाई, क्योंकि उन्हें भी देखना चाहिए, उन्हें लग रहा होगा कि गलत है ही नहीं, इसलिए नहीं हटाई उन्हें एडिट करते वक्त. नहीं उन्हें अगर इतनी अकल होती तो वो हटा लेते, उन्हें गलत लगता ना तो वो चीज़ हटा लेते. गलत नहीं लग रहा तो सही, आपको भी नहीं लगना चाहिए कि इसमें कुछ गलत है. और हमारा, हमारी फैमिली ऐसी है, बहुत वैसी है, फ्रेंक टाइप में, तो हम ऐसी बात करते हैं सबसे. अब आपको ये भी नहीं बोल, कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है. लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उसे खोज करने लगते हैं कि ये जैसे हमारे ब्लॉग में सोना, हमारे ब्लॉग में अगर जिन जिनको साथ ही अच्छे लगते हैं ना, हमारे ब्लॉग में खोज करने लगता है कि यार इसके बारे में और जानना है, और जानना है, तो ऐसे भी अच्छा लगता है. बारे में ये कौन जान रहा है तेरे बारे में? बहुत है बहन है. अच्छा जी एफुखी चिल्ला रहा है मामा का लड़का. तो गाइस ऐसे कमेंट करना ना छोड़ दो, ये इन चीज से ना कुछ नहीं होता. अच्छे अच्छे कमेंट करो कि यार अच्छे व्लॉग्स और बनाओ, मोटिवेट करो इंसान को. मोटिवेट आप मोटिवेट करोगे ना किसी को तो फिर उससे लगेगा कि हाँ भाई मोटिवेट कर रहे हैं, हमें भी पढ़ते हुए अच्छा लगेगा कि ठीक है अच्छी चीज है, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं तो हम व्लॉग बनाएंगे. पता है ऐसे जो वैसे कमेंट्स होते हैं ना उससे ना फिर दूसरे इंसान के रहता है कि यार ये मेरे बारे में ऐसा कह रहा है तो मैं आपसे व्लॉग में नहीं आऊंगा, अब व्लॉग में नहीं आऊंगी लाइक दिस. तो उसका भी यही है, मेरे को व्लॉग में नहीं आना ना, मैं बोलना चाह रही, तो उसने मेरे से बोला बहन तू अपने ब्लॉग में ये चीज़ बोल, चाहे मेरे ब्लॉग में वहाँ के उस चैनल के भी मेरे ब्लॉग में देखेंगे, तो मैंने इसलिए बता दिया. बाकी जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, बुरी वाली बात है नहीं कि बुरा लगेगी इसलिए मैं बोल रही हूँ. और मैं स्पेसिफिक एक मतलब एक होता है ना, मैं स्पेशल ना एक बंदे को, बंदी को नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट करो यार, गलत कमेंट करने से क्या मिलेगा आपको खुद बताओ, मत करा करो ठीक है. बाकी हम जा रहे हैं, मैंने दादी बोल दिया, मेरा हाथ दर्द हो गया. बाकी हम जा रहे हैं बाजार में, मैं बाजार की वीडियो बना पाई तो बना लूंगी, दिखा दूंगी.
मिलते हैं। हेलो, दुकान से ऊपर उसका सामान तो रखा नहीं चाहिए किचन का? हाँ, वो लड़का नुकह रहा वही करेगा सामान से आकर। डीवीडी हम लोग जा रहे हैं अभी, ये तो हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, पर जा रहे हैं तो बाजार में पता नहीं कौन सा। मम्मी मम्मी गाइस हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ घर का सामान लेना है, नहीं घर का ही सामान लेना है। मेरे को तो पता भी शॉपिंग है, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। सोने से पूछ लेती वीडियो कॉल पर अगर मिल जाती तो। तो गाइस हमने ये लिया है, कितना ठीक लगता है वीडियो बनाने में। ले लिया हमें ज्यादा कुछ मिला, ज्यादा तो इतने महंगे महंगे दे रहे हैं। 2000 रुपए चद्दरी है और 300 रुपए के में दो पायदान और एक 200 का है। डिस्काउंट ना करवाऊंगा, और जहाँ पापा जावे वहाँ डिस्काउंट हो गई हुआ है नहीं। और गणेश लक्ष्मी जी नीचे से देख लीजिए, बाकी घर जाते हैं दिखाते हैं क्या क्या लेते हैं। गाइस अगर रास्ते में कुछ दुला तो मेरा बाप मतलब मेरे पापा मुझे कुछ दुलाएंगे। पापा कुछ दुलाएंगे, वैसे पापा कुछ दुलाएंगे ना इतना तो मुझे पता हो, पर फिर भी थोड़ी बहुत तारीफ करती हूँ। तो अच्छा मिल गया फिर दिन तो वही बोलती ना बाजार में। मैं पैसे पर तरस खा गई। अच्छा तू कब से तरस खाने लगी? मैं की छोड़ इतने खर्च हो रहे हैं तो फिर क्या ही लेना। अपनी पाजो तो नहीं, बाकी अगर रास्ते में कुछ मिलो अगर मिल गया तो ले लो। पूरा रास्ता ही खत्म हो गया, मैं इंस्पायर तक छोड़ दो, मुझे इंस्पायर पे ही छोड़ दो। भाई की न्यू गाड़ी है, भाई बात करने गया। और नमस्कार, आपका अति स्वागत है। नमस्कार, आप इधर आ सकते हैं। इसे बुलाऊं अपने घर? बेचारी रो रही है, मम्मी देखियो देखिए रो रही है बेचारी। भाई रो मत यार, भाई मत रो। गाइज मैं नीचे से आइसक्रीम पूछता हूँ। पूछ क्या हुआ? आइसक्रीम नहीं अभी चाहिए, वीडियो बना लो। इधर ना मिलती है आइसक्रीम,
उसमें ना कुछ भी। गजब बेइज्जती है। है इसमें कुछ भी? ना कुछ भी। आइसक्रीम का आई है ना? आई नहीं आइसक्रीम? गाइस इसमें कुछ है ही नहीं, बस पागल बना दिया मेरा। रसगुल्ले भरे हैं इसमें। उसमें कुछ ना, उसमें दूध है। इसमें भी कुछ नहीं है तो इसमें भी तो नहीं है, तो फिर चॉकलेट ले लेता हूँ। चॉकलेट लेनी पड़ेगी गाइस। बड़ी वाली लो 5 रुपए की। यह ले लो ऐसी। गाइस अभी पता है, एक सेकंड, अभी ना मंदिर जो है ना वो बहुत क्लीन तो वैसे भी हो चुका ना। हाँ तो डस्ट वस्ट सब हो चुका, बस इसमें जितने भी चीज़ थी ना सारी निकाल दिया, क्योंकि इसमें ना वापस लगी क्योंकि यहाँ की सफाई नहीं हुई थी, फिर सुबह हुई थी। अब ये जो चीज़ें हटेंगी पहले, बाकी यही सफा हुआ था, अब क्लीन तो हो चुका। मैं लड़ी दिखाती हूँ, लड़ी मीन्स लाइट, दिवाली पे जो लाइट्स लगी है ना घर के, वो दिखाती हूँ। आ जाओ देखो कितना प्यारा लगता है, मतलब घर के। ओह सॉरी गाइस, मैं बताऊँ एक बात, हमारे घर के पास ना घर नहीं है, अगर और वो घर होते ना तो फिर तब और अच्छा लगता। देखो उधर साइड आप देख रहे होगे, एक भैया ने लगाई थी लड़ी और इतनी प्यारी लग रही है ना, कॉर्नर तक वहां तक जाने लगी ना तो बहुत दुख रहा है। मैं दिख रही हूँ कितनी क्यूट लग रही हूँ, तो पता इधर कीड़े आ रहे हैं मेरे मुंह में ना कुछ चाहे अब से है। तो फिर हम आपको ना नीचे से सब देखेंगे ना, इसमें अजीब सा लगा। इधर ना लड़ाई लग रही है और मैं उधर जाऊंगी ना जब तक, तो उधर बहुत दूर पड़ जाएगा, पैदल पैदल चलते चलते नहीं दिखा सकती भाई इतना। बाकी यहाँ से आप देख लो, यहाँ से जाऊंगी तो फिर खुद इमेजिन कर लो कितना दूर जाना पड़ेगा। बाकी फ्लैट्स देखो पीछे ही रहे, कुछ घर ही रहे, बिल्कुल पास में घर नहीं है, और अगर बिल्कुल पास में घर होते तब और भी अच्छा लगता। क्रिकिया एक घर पास में होते ना तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि जब लाइटिंग लाइटिंग लगती है कि इधर भी लाइट हो उधर भी लाइट हो। बाकी 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 क्या ही दिखाऊं, अभी मंदिर पे मंदिर में सामान रखना है वो दिखाएंगे, दिखाती हूँ आपको। अभी तो मम्मी एक खुशखबरी तो बताओ भाई, मैंने पूजा करनी चालू कर दी। वो बाद में बताऊंगी करते हुए दिखाऊंगी। खैर अब तो अभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि सुबह कर ली थी मैंने। ऐसा नहीं होता, पूजा दोनों टाइम होती है ना, नीचे गिर में ज्यादा पानी नहीं होता। एक टाइम बस किया मेरा, फिर भी कोई ना देख लेने आ गैस बता। मैंने ना, मैं ऐसे नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती, पूजा करती हूँ पर वैसे करती हूँ कि फेस्टिवल आ गए तो कर लिया, पर अब मैं तो डेली करने लाग रही डेली करती हूँ अब मैं। बाकी तस्वीर मम्मी लगा रही है, से दिख जाएगी लड़ी। टिंग 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 टिंग। प्यारा लगता। अब ना थोड़ा ब्लॉग से ना हिचकिया रही है, मन सा थोड़ा अलग होता जा रहा है। मुझे दे देना, मैं बना लूंगी अपना, मैं तो तैयार बैठी तेरे ब्लॉग को छीनने के लिए। एक से एक बढ़कर है। क्या करेगा बाकी, बाकी क्या बाकी, मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का सच में, मजाक से हट गया। मम्मी आ गई। एक ये मेरे को छोड़ती ही नहीं है, पीछे से पकड़ती रहेगी पैर ही, पकड़ लेना ले। पता है ना कैमरा चल रहा है, समझदार है इतनी तो। ये न्यू तस्वीर शायद आज लिया, नहीं जी पुरानी है न्यू, तब गणेश लक्ष्मी जी के लेके आऊंगी ना, अभी आधा सामान लेके आई, आधा राई लाऊंगी। कान्हा जी की है ये, कालिका मैया की है, हमारी पूजा काल हम इन्हीं को ज्यादा मानते हैं। खैर सभी को मानते हैं। अभी ला रही हूँ मम्मी, और
हम ऐसे नहीं करते कि भाई हम हाउ डिस्कस्टिंग यार यही रह गया कुछ तेरे पर चंजो ना मंदिर में नहीं आएगी तू गाइस मैं एक बात बताऊं एंड में बताऊंगी अभी नहीं सोचो ना अभी तक दुखी कर देगी मुझे जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ भाई समझ रहे हो मैंने जान जी बना ले पैर दी अच्छा यार नहीं बनाना करिए चन चन ये क्या काना जी काना जी सफाई करी थी ना मैंने अपने रूम में पानी गाइस पता सब कुछ क्लीन हो गया हमारा रूम रह गया जो कि हम अपने आप करेंगे मैं और मेरी बहन मिलकर फिर मैं और फिर उसका होम फिर इसका रूम टूर आएगा रूम टूर आएगा रूम टूर आएगा ना कि होम टूर और हमारे रूम टूर हमारे ही मेरे ही चैनल पर आएगा वो आएगा अभी तो टाइम लगेगा बहुत पर आ जाएगा हमारा रूम ना सबसे हट कर है गाइस देखो ये मेरे लड्डू गोपाल जी के की पैसों की चाबी है जिनमें मैं मिलके पैसे रखती हूँ माला वगैरह मींस ज्वेलरी ये इनकी बिंदी के पत्ता है सब जो मैं लगाती हूँ और ये रहा मंदिर तैयार है नॉर्मल बाकी मम्मी के ब्लॉग में देख लेना कि कैसा लगेगा अभी बस वो ले आऊँ खाली अपने तब जाके जब मेरा मन ठीक हो जाएगा ना तब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी लाइक कि ठीक है मैं ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊंगी अब आज भी मैंने जबरदस्ती करके बनाया था नहीं मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं बनाऊं बस ऐसे ठीक है तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें